हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? अब तब आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। 2023 का फर्स्ट वीडियो है गाइस ये मेरा, न्यू ईयर का। हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, दिल से आप सबके लिए। आई होप आप सबके लाइफ में भी ये न्यू ईयर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, हम भी यही होप कर रहे हैं हमारे लिए, है ना? या मैंने और दीदी ने नहा लिया है गाइस, गुंडू भी नहा लिए, जीजू तो ड्यूटी गए हैं। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं गाइस, काफी ठंडा लग रहा है ये, है ना? नहा लिए हमने, नियर है ना गाइस, तो आज के दिन तो लेट नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी देख सकते हैं आप, मौसम भी देख सकते हो, काफी रोमांटिक मौसम है गाइस, एकदम मौसम। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बट मेरा हेयर वॉश किया, काफी गंदा हो गया था। मैं तो सोची घर जाके करूंगी करके, बट मेरा घर जाना तो लग नहीं रहा है पास पर, तो इसलिए कर लिया यहीं पे। और जा रहे अभी हम लोग नाश्ता बनाएंगे, तो आज मेरे तो कुछ स्पेशल बनाएंगे गाइस। क्या बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, चलो मेरे साथ चलो। ये गाइस नाश्ते में आज दीदी बना रही है उड़द दाल का पकौड़ा, ये देखिए प्याज वाज डाल के अच्छा बना रही है। ये देखिए गाइस हमारे बड़े बन के रेडी है। हाँ गुल्लू भी बैठा है देखे खाने के लिए ना बेटा, वो खाना है ये। हाँ, तुमको पसंद है बेटा ये, ठीक है। मेरा बेटा आप सबको विश कर रहे ना बिट्टू, हम सबका नाश्ता हो चुका है गाइस, और गुन्नू आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता था। मैंने चलो विश करते ना बेटा, नाश्ता तो हो चुका है, तो दीदी अभी खाने की तैयारी कर रही है। तो खाने में मेरे जीजू का एक्चुअली मॉर्निंग शिफ्ट है, तो दीदी अभी ऐसे नॉर्मल सा खाना बना रही है, रात में बनेगा स्पेशल कुछ, है ना बेटा? हाँ गाइस ये गाइस मेरे जीजू बेचारे ड्यूटी से आते वक्त चिकन लेके आए हैं सामने, और यहाँ पे दीदी डायरेक्शन दे रही है पकौड़ा बनाने का, वो पूरा मिला रहे हैं। देखो दीदी सारा डाल दी, वो बैठ के मिला रहे हैं। जीजू हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया आप सबको? गुन्नू है देखो वीडियो बन रहा बेटा, आप बोले थे ना वीडियो बनाओ करके। हाय नहीं आप देख रहे हो इसमें, आप बोलो को कुछ नमक ठीक है क्या, ना हम डालेंगे ऐसा पति सबको मिले। मतलब मेरे को भी निकाला ना सुबह दीदी, मैं निकाला, मैं निकाला बोलो। नहीं आप तो बैठो, सभी देता हूँ। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। कल के गाइस नहीं दिखाई दे रहे, गाइस नहीं दिखेगा ना बेटा, वो हम लोग को वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं दिख सकते, लाइव नहीं दिख सकते बेटा। दिखेंगे हम लोग को वीडियो देखेंगे वो लोग, ठीक है। वाओ चिकन पकोड़ा, वाओ ये देखिए गाइस दीदी यहाँ पे पकोड़ा फ्राई कर रही है। देखो पकोड़ा फ्राई कर रही है जीजू, ड्यूटी से आते वक्त लेके आए, खाना तो वो बना दी थी पहले, दाल चावल भुजिया, शाम को बनेगा बिरयानी, तो बस ये हो जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग शाम को, कहीं भी जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। ओके बेटा कैसा बना जी चिकन पकौड़ा? बेस्ट, सुपर अच्छा बना। अब बोल दीजिए मिलाए कौन थे, दिख रहा कैमरा में अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं अभी तो खाना खाया। गुन्नू बेटा कैसा बना है, मम्मी कैसा बनाई मुझे बोलो। मम्मी रेसिपी नमक पूरा नहीं था, लेकिन एक नंबर नमक हो गया है रेसिपी, और नमक हम बाद में फिर मिला, हमको मालूम था कितना नमक चाहिए। वही तो जीजू का वजह से टेस्टी बना ना जी, यहाँ पर अंदाजा लग गया था चिले मुस्मार नमक मारे हैं, ठीक है। काज मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ अपना वीडियो अपलोड करने के, डाल दी लेकिन अब तक अपलोड नहीं हुआ, इतना नेट यहाँ का इतना स्लो है।
कि अभी तक मेरा वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ गाइस, क्या करूँ बताओ। आप लोग सोच रहे हो मैंने अभी तक डाला नहीं, पर क्या करें यार, नेटवर्क इतना ज़्यादा स्लो है। सुबह से डाल दी हूँ मैं, बट अभी तक ये ही नहीं, अपलोड ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अगर बिजली आया घर को बोलो। क्या बोलूं? हेलो गाइस, ओए तुम बोलो। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, क्या कर रहे हो सब? आ जाओ। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं सो गई थी गाइस। एक्चुअली शाम को जीजू बोले थे कहीं घुमाने लेके जाएंगे, पर उठने के बाद ना मुझे फीवर सा लग रहा है। जीजू देखिए मेरा कपड़ा वगैरह यहाँ पे प्रेस करके रखे हुए हैं। जीजू निकाल दो ना। हाँ निकाल दो, एक मिनट रुको। हाँ खोल देते हूँ तो एक्चुअली जीजू और गुन्नू मार्केट गए थे, अभी कुछ सामान लेके आएंगे। जीजू बोले तुम रेडी होकर रहना और हम आते हैं, फिर हम लोग चलेंगे घूमने। दीदी नहीं जाएगी बोली, मैं जाऊँगी बोली थी। सुबह मुझे तो ठीक लग रहा था, बट जब से सो के उठे मुझे फीवर फीवर सा लग रहा है। सोच रही थी जाओ कि नहीं, हाँ बेटा जाओ कि नहीं, सोच रही ना जाओ क्योंकि तबियत कहीं और ज़्यादा ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना गाइस। तो जीजू मिठाई लेके आए हैं, बोले न्यू ईयर है मुँह मीठा करो गाइस। काला जामुन लेके आए जीजू हम लोग को, ना मतलब मिठाई में काला जामुन बहुत पसंद है। ऐसे हम लोग मीठा पसंद नहीं करते, बट काला जामुन खाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो लेके आए हैं और गुन्नू ये आई थिंक रसमलाई लेके आए। तो ये लेके आए हैं जीजू। तभी जीजू मुझे बोल के गए कि रेडी होके रहो हमारे। तो मैं सोची मैं नहीं जाऊँगी गाइस क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं लग रही है। मुझे बेकार घूमने का चक्कर में मेरा तबियत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे फीवर फीवर सा लग रहा है। तो मैं नहीं जाऊँगी, घूमना फिरना तो लगा रहेगा यार, हेल्थ तो पहले है। देखो मेरा बेटा यहाँ पे खा रहा है। कैसा है बेटा? ठीक है, आप यहाँ पे रख के खाना ठीक है। लो लो, कैसा है बेटा? अच्छा अच्छा है, एक नंबर है, एक नंबर है। बाप रे, गुन्नू को जीजू को मीठा बहुत पसंद है। हम लोग मीठा नहीं खाते गए ज़्यादा, पर कुछ कुछ स्वीट्स है जो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे काला जामुन। मुझे पेड़ा संदेश वगैरह काफ़ी पसंद है, अच्छा लगता है ना बेटा। ओके गाइस, चलो ब्लॉग पे बने रहो आप लोग। हमारा कल वाला वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुआ यार, नेट गुन्नू ने पूरा किल करके नेट ही ख़त्म कर दिया और मेरा यहाँ पर नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी, क्या करें बताओ। ओके गाइस, कोई नहीं, ब्लॉग पे बने रहो। गाइस जीजू आ गए हैं मार्केट से, चलो दीदी के साथ ना प्रैंक करते बोलते, मैं बोलूँगी कि आप मुझे घुमाने नहीं लेके गए। चलो 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 चलो, जीजू आप मुझे घुमाने नहीं लेके गए ना। देखो घुमाने नहीं लेके गए, बोले बोले थे कि मैं आ रहा हूँ मार्केट से, लेकिन देखिए थे गाइस लेकर नहीं गए मैं जीजू घुमाने के लिए। Hey guys, जीजू कितने भोले, ये भी नहीं बोले कि तुम रेडी नहीं थी इसलिए नहीं लेके गए, फंसा भी नहीं रहे मेरे को बताओ। ऐसा कुछ ज़रा तो फंसा देते करता मेरे जीजू, मुझे ब्लेम भी नहीं कर रहे कि तुमको बोले थे रेडी होकर आना। तुम्हें अच्छे बताओ मेरे जीजू। देखिए यहाँ पे मेरी दीदी मटन पुलाव बना रही है, देखिए आलू उलू डाल के बना रही है मस्त, है ना गाइस? सॉरी जीजू, सॉरी गाइस, मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि किसी के फ़ोन में नेट ही नहीं है, मेरा नेट तो चल ही नहीं रहा है, क्या करूँ बताओ। इसलिए मैं रेसिपी स्पेशल शेयर नहीं करूँ आपके साथ में, तो ज़रूर करती गाइस क्योंकि कल वाला वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, ये वाला वीडियो में आके क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी लगता है ना, 2 GB ऐसे करके लग रहा है। हाँ सच में दीजिए, अब वर्थ ना आपका, मेरी दीदी का बर्थ थी, ये लगता है मैंने नेट को चोरी कर लिया जबकि मेरे ही वीडियो अपलोडिंग में किया था सारा एमबी, है ना दीदी? आपको लगा था ना आपका नेट को चोरी कर लिया, तो मुझे बोल रहे थे ना, मुझे बड़ा हंसी आ रहा था सच में।
किसने जीजू छोटा बेटा छोटा बेटे बना के चलते बट वीडियो बड़ा ही हो जाता हम भी खा दो जीबी और कहाँ से लेकर उनको बताओ मेरा खुद का नेट नहीं चल रहा चलता तो एक तो बात होता चल रहा नहीं है। ये देखिए गाइस मटन करी बन रहा है यहाँ पे आलू की आलू देखो मटन और बिरयानी और साथ में बनेगा बिरयानी मेड बाय माय दीदी ठीक है बनाओ और हमें अच्छे से खिलाओ। सो गाइस फाइनली डिनर इज रेडी देख सकते हो गर्मा गर्म पुलाव और गर्मा गर्म चिकन है सॉरी मटन बनाइए दीदी हाथ में तो रेडी है तो सब लोग खा रहे हैं। देखिए दीदी जीजू गुन्नू सब लोग बैठे हुए हैं आप लोग भी खाना चाहते हैं तो आ जाइए गाइस। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो सब आई होप सब अच्छे बढ़िया होंगे। कल रात को खाना खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही तबीयत भी ठीक नहीं मेरी तबीयत तो इसलिए खाना खा के डायरेक्ट सो गई थी तब वीडियो मैं बनाया नहीं और फिर मुझे याद आ रहा है मैं मतलब वीडियो ही आने की मॉर्निंग में फिर मुझे याद आया तो मैंने चलो अभी बनाया जाए इसलिए अभी वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा यार क्योंकि नेट नहीं है वीडियो लोग पोस्ट नहीं हो रहा है। कल वो 31 वाला वीडियो तो एक्चुअली कल पोस्ट होना था बट वो आज पोस्ट हुएगा कल से मैं कल से कर रही हूँ बट वो हो नहीं रहा था नेटवर्क इशू के कारण क्या करो बताओ ये प्रॉब्लम है यहाँ पर नेट का वैसे मेरा नेट तो चल ही नहीं रहा है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मुझे जीजू और गुन्नू के फ़ोन में डिपेंड रहना पड़ रहा है और गुन्नू भी कार्टून वगैरह देखता है ना वो भी पूरा नेट ख़त्म कर देता है गुन्नू भी जीजू भी ड्यूटी वगैरह जाते तो मिल नहीं पाता फिर भी तैसा तैसा आज मॉर्निंग में वो वीडियो पोस्ट हुआ तो कल वाला वीडियो भी पता नहीं आज होगा कि कल होगा तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना नेट का इशू है इसलिए ऐसा हो रहा और कैसा गया गाइस आप लोगों का न्यू ईयर का मेरा तो तबीयत खराब में ही जा रहा है न्यू ईयर बट डिशेज काफ़ी अच्छे अच्छे बने थे हम लोग के घर में का उठी हूँ नहा ली हूँ फ्रेश हो गई हूँ और नाश्ता वगैरह भी कर लिया थोड़ा सा चलो वीडियो का एंड किया जाए तो उसको एडिट करूँगी और पोस्ट करने के लिए देखिए अगर नेट होगा तो कर दूँगी आज ही नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में ही हो पाएगा। और चलिए उनको गुन्नू से मिला देते देखिए जीजू यहाँ पर अपना ड्यूटी का कपड़ा आयरन कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर दीदी है ये देखिए यहाँ पर गुन्नू ट्यूशन नहीं जाने का छोड़ देखो नहाने का बाद से इसका स्टार्ट हो गया ट्यूशन नहीं जाऊंगा इसलिए वो यहाँ पे छुपा हुआ है कि ट्यूशन नहीं जाएगा। और खाने में तो कल जो मटन बना था रात में वो वाला है बस चावल बनाई दीदी तो जो अभी बस थोड़ी देर में नहीं अभी काफ़ी टाइम है ओके गाइस चलो वीडियो को ये वाला यहीं पे एंड करते हैं ज़्यादा लंबा होने से मुझे ऐसे ही डर लगता है क्योंकि 2 GB 3 GB हो जाए मैं कहाँ से करूँ मुझे समझ में भी नहीं आता तो चलो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर लॉट्स ऑफ लव गाइस बाय बाय टेक केयर।